गुड मॉर्निंग बच्चों, के एल लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा जी लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू पाठ में हम लेखिका के घर में गिल्लू का व्यवस्था जिस तरह हो रहा, गिल्लू मतलब गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा, उसे लेखिका क्या की थी, बहुत प्यार से गिल्लू नाम से बुला दी थी। ठीक है, तो गिल्लू लेखक जी के घर आकर एक साल बीत गया। एक साल में उन्होंने जिस तरह लेखिका के साथ जीवन बिताना यह पूरा सीख लिया था, समझ में आ रहे ना। और लेखिका उसे हर समय बंदी रखी थी, समझ में आ रहे ना, मतलब वो छोटा बच्चा था। और लेखिका यह भी कहती है कि घर में पले कुत्ते बिल्लियों से ऐसे लघु जीवों को बचाना भी क्या है, एक बहुत कठिन है। ठीक है, तो इस तरह सोचकर लेखिका बहुत दिनों से उसे बंदी बनाकर रखती थी। तो उस समय क्या हुआ था, वह उस गिल्लू का स्थल कहाँ था, खिड़की के पास। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, बाहर वाले गिलहरियां आकर उसके साथ खेलते, चिक चिक आवाज करते थे, खेलते थे। तो यह गिल्लू अंदर बैठकर क्या करते थे, क्या करता था, वो बाहर वाले गिलहरियों को झांक कर देखता था। तो उस समय यह देखकर लेखिका मन में सोचती है कि प्राणियों को बंदी बनाना ठीक नहीं है, बंदी बनाकर रखना ठीक नहीं है, उनको हम क्या करना है, मुक्त करना है, स्वतंत्र करना है। तो इस तरह सोचकर लेखिका भी क्या किया, उसे बाहर जाने के लिए अवसर दिया। ठीक है, वह ढोकरी से बाहर जाने के लिए उसे मौका दिया, अवसर दिया। तो उस समय बाहर जाते ही वह बहुत खुशी से राहत की सांस ली, समझ में आ रहे ना। तो यहाँ तक बच्चों हम क्या किए थे, कल देख लिए थे, यह विषय हम चर्चा किए थे। आइए आगे, लेखिका के साथ वह गिल्लू जिस तरह अपना जीवन बिताया देखेंगे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है, किसी की काम पर, समझ में ना, कोई काम पर लेखिका अपने घर से बाहर जाना पड़ता था। वह कहते हैं कागज पत्रों के कारण, कोई ऑफिस काम में, ऑफिस काम के लिए या अपना वैयक्तिक पर्सनल काम के लिए लेखिका बाहर जाना पड़ता था। एक एक बार घर से बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है, ठीक है, मतलब उनका कमरा बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर फेर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तो लेखिका जब बाहर गई रहती थी तो उस समय वह भी बाहर जाता था, ठीक है, खिड़की के जाली से बाहर जाता था। जब लेखिका वापस आकर दरवाजा खोलती है, कमरे का दरवाजा जब खोलती है वो, तो उस समय वह क्या करता था, बाहर से जाली के दरवाजे से, समझ में ना, अंदरे लेखक मन बल्कि बरता अद किड़की हर वर्गे होली बले अंत जाली हेतर किड़की अदरगे होली दरवाजे के बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए बल्कि और बल्ल बंद तक किड़कियां बरता अब खिड़की के जाली से वह भी अंदर आकर क्या करता था, लेखिका के पैर से सिर तक, लेखिका कहते देखो जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। वह जिस तरह पेड़ चढ़ता है जोर से, तो उसी तरह अंदर आते ही लेखिका के पैर से सिर तक ऊपर चढ़ता था, फिर सिर से पैर तक इस तरह क्या करता था, वो दौड़ लगाने लगा, मतलब दौड़ता था। तब से यह नित्य का क्रम हो गया, यह क्रम मतलब यह क्रिया, यह काम उसका नित्य काम हो गया। लेखिका जब बाहर जाती है, बाहर जाने के बाद जब वापस आती है, उस समय हर दिन ऐसा ही करता था, उसका यह नित्य क्रिया बन गया था, मतलब निरंतर लगातार वह गिल्लू इस तरह करने लगा। आगे, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। जब लेखिका अपने कमरे से हो या घर से कहां तो बाहर गए तो
वह भी क्या करता था, अपना भी एक द्वार था, मतलब गिलहरी का, गिल्लू का भी एक द्वार है, मतलब दरवाजा था, कहां से, खिड़की के जाली से वह भी बाहर जाने के लिए उसे व्यवस्था की गई थी। वह भी क्या करता था, लेखिका जब घर से बाहर जाती है उस समय गिल्लू भी बाहर जाता था। ले देखो कहते लेखिका ने, गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह, राह मतलब रास्ता, बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर साल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। एकदम बहुत अच्छी तरह से उसका गिलहरी का मतलब गिल्लू का क्रिया चल रही थी, समझ में आ रहा ना। जब लेगी का कमरे से बाहर जाती है या घर से बाहर जाती है उस समय यह भी क्या करता था, अपने खुली जाली से मतलब उस खुली जाली के दरवार से, दरवाजे से वह भी बाहर जाता था। ठीक है, तो उधर क्या करता था, बाहर जाकर जब तक लेकी का घर नहीं आती है तब तक वह बाहर वाले गिलहरियों के झुंड से, झुंड मतलब समूह, ग्रुप बोलते ना, झुंड मतलब समूह। देख वह लेखिका जब घर से बाहर जाती है उस समय यह भी बाहर जाकर सुबह से लेकर शाम तक दिन भर, समझ में ना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक गिलहरी उनके झुंड का नेता बना, मतलब वह क्या करता था, बाहर वाले गिलहरी उनके साथ खेलता था, समझ में ना, झुंड के नेता मतलब यही एक ही नहीं था, बाहर वाले गिलहरिया भी उधर खेलने के लिए आ जाते थे, सभी मिलकर क्या हुआ था, एक समूह बन गया, झुंड मतलब समूह, उन समूह का यह नेता बनकर मतलब लीडर बनकर, अंदर आ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಲುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಇದು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಖೇಲ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ದೇಖೊ, ಗಿಲ್ಹರಿ ಉನ್ಕೆ ಝುಂಡ್ ಕಾ ನೇತಾ ಬನ್ ಹರ್ ಡಾಲ್ ಪರ್ ಉಚಲ್ತಾ ಕೂದ್ತಾ, ಡಾಲ್ ಮತಲಬ್ ಪೇಡ್ ಕಿ ಡಾಲಿಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ನಾ, ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಹಾ, ತೋ ಉಸ್ ಪೇಡ್ ಕೆ ಡಾಲ್ ಪರ್ ಉಚಲ್ನಾ ಔರ್ ಕೂದ್ನಾ, ಉಚಲ್ನಾ ಕೂದ್ನಾ ಮತಲಬ್ ಛಲಾಂಗ ಮಾರ್ನಾ। ಅಬ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೋ, ಬಂದರ್ एक ही जगह पर नहीं बैठता हो, उछलता कूदता पेड़ से पेड़ क्या करता है, वो चलांग मारते हुए खेलता रहता है। उसी तरह यह भी गिलहरी को आप देखते रहते हैं पर्यावरण में, पेड़ों पर खेलता रहता है वो, वह भी एक ठीक स्थान पर या जगह पर नहीं बैठता, दौड़ने लगता है यहां से वहां तक, वहां से यहां तक, इस तरह यह भी ऐसा ही काम में लग गया। कैसा, सभी गिलहरियों के झुंड के नेता बनकर पेड़ के हर एक डालियों पर उछलता कूदता इस तरह दिन भर खेलता रहता था और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। फिर वापस घर आने का समय कितना था उसका, 4 बजे, करेक्ट 4 घंटे ऐन ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಡಕಿ ಜಾಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನ ತೂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೊಂದು ಬುಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಕಿಡಕಿ ಹತ್ರ ತೂಗಾಕಿತ್ತು, ಇದು ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರ ಅಳಗಡ್ತದಲ್ಲ। ಹಾ, ಠೀಕ್ 4 ಬಜೆ ವಹ ಕಿಡಕಿ ಸೆ ಭೀತರ್ ಆಕರ್ ಅಪನೆ ಝೂಲೆ ಮೇ ಝೂಲನೆ ಲಗ್ತಾ। ಮುಜೆ ಚೌಂಕಾನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಉನ್ಮೇ ಉಸ್ಮೇ ನ ಜಾನೆ ಕಬ್ ಔರ್ ಕೈಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ಗಯಿ ಥಿ, ಚೌಂಕಾನ ಮತಲಬ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಕರನ, ठीक है, घबरा जाना बोलते ना। हाँ, अंदर लेखिका और हेतर इले नन्नन्नु आश्चर्यगोळिसुवंतह स्वभाव अदरल्लि हेगे हुट्टिकोंडित्तु ननगे गोत्तिल्ल अंत हेतर लेखिका। हर समय लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें बहुत थी, इसमें गिल्लू में, मुझे चौंकाने की इच्छा उनमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। तो वह ऐसा एक भावना वह गिल्लू में कैसा उत्पन्न हो गई थी मुझे मालूम नहीं है, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता। लेखिका के आंखों के सामने वह नहीं आए तो लेखिका भी घबरा जाती थी, लेखिका भी बहुत है। क्या आश्चर्य से उसे ढूंढने लगती, कहाँ गया कहाँ। लेखिका इससे पहले ही कहती है, क्या कहते हैं उन्होंने, ऐसा एक लघु घात को मतलब लघु जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी क्या है एक मुश्किल काम, हर समय हम उसके पीछे ही रहने के लिए नहीं होता,
ठीक है, इसलिए एक 2 मिनट लेखिका के आंखों के सामने वह नहीं आया तो लेखिका को भी क्या हुआ, लेखिका भी बहुत घबरा जाती। समझ में आ रहा है ना, मतलब लेखिका भी चौंकती, चौंकाना मतलब घबरा जा। ठीक है, तो लेखिका को चौंकाने के लिए वह क्या करता था, कुछ स्थलों में छिप जाता। लेखिका और आश्चर्यगोल सलुवागी तो और घाबरीगोल सलुवागी ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಹಾ ಕಹಾ ಬೈಠತಾ ಥಾ, ಫೂಲದಾನ್ ಕೆ ಫೂಲೋ ಮೇ ಚಿಪ್ ಜಾತಾ। ಫೂಲದಾನ್ ಕೆ ಫೂಲ್ ಮತಲಬ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಬೋಲ್ತೇ ನಾವು, ಉಸ್ಕೆ ಫೂಲೋ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಚಿಪ್ ಜಾತಾ। ಕಭಿ ಪರದೆ ಕಿ ಚುನ್ನಾಟ್ ಮೇ, ಅಬ ಆಪ್ दरवाजे को पर्दा उपयोग करते रहते, खिड़की हो ठीक है, दरवाजे के पास दरवाजा को ठीक है, तो उसके चुन्नाट में मतलब किनारे होते हैं दंडे, दंडे पर्दे या दंडे, हाँ अदरले हो गया, मुझे बोलता है अड़गी बोलता है। कभी पर्दे की चुन्नाट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। सोन जूही आप पहले सुने हो, जब बात है पहला शुरू हुआ है तो उस समय सोन जूही मतलब वह पुष्प का एक प्रकार, ठीक है, वो पीला रंग का फूल है, तो उसे लेखिका क्या, वह फूल है उसे बहुत प्रिय था, पसंद था, इसे गिलहरी आगे लेखिका कहते हैं, मेरे पास है, हाँ फूलदान के फूलों में छिप जाता। कहाँ कहाँ छिप जाता था वो लेखिका को चौंकाने के लिए, फूलदान के फूलों में और परदे की चुन्नट में और सोन जुई की पत्तियों। समझ में रहे ना, पत्ता मतलब लीफ बोलते हैं ना, एलेगल, हाँ। तो इस तरह ये 3 जगहों पर वह चिप कर बैठता था लेखिका को चौंकाने के लिए। आगे, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। लेखिका के पास सिर्फ गिल्लू एक ही नहीं, इस तरह अनेक पशु पक्षी, पशु पक्षियों को लेखिका ने पाले हैं। समझ में रहे ना, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लगाव मतलब प्यार, ठीक है, गिल्लू के जैसा, गिल्लू एक ही नहीं, गिल्लू के जैसा अभी अनेक पशु पक्षी मेरे पास है, ठीक है, लेकिन उन सभी प्राणियों को भी मुझसे प्यार कम नहीं है, वे सभी प्राणियां मुझे बहुत प्यार करते हैं। समझ में आ रहे ना, लेकिन परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत भी है। लेखिका कहती है वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, मैं भी अच्छी तरह से उसे पाल रही हूं, लेकिन इस सभी प्राणियों को मेरे थाली में बैठकर खाने की धैर्य मतलब हिम्मत मतलब धैर्य नहीं हुई, नहीं है, एक बार भी वे सभी प्राणियां मेरे साथ थाली में बैठकर खाने की हिम्मत नहीं किए हैं। इधर वंदे अलग है, इधर कई प्राणी हैं तरह, इन्हों अनेक प्राणी और नन्ना लिवे, नन्ना नानु साकित दें, आ प्राणी के लिए आव प्राणियों नन्ना जते ये बंदो अंदर प्लेट ने ले कुली तो बंदो ऊटा मारो वा धैर्य मारे रे लिला। समझ मारे ना, लेखिका कहते मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो इस तरह हिम्मत किया हुआ कोई प्राणी है या नहीं, अपने आप को लेखिका प्रश्न पूछती है, उसे मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था, अपवाद मतलब विलोम विरुद्ध। समझ में आ रहे ना, सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला अपवाद मतलब गिल्लो इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, समझ में रहे ना, लेखिका गिल्लो के बारे में कहते हैं बहुत सारे प्राणियां थे लेकिन वो मेरे साथ थाली में बैठकर खाने की हिम्मत उन्होंने एक बार में नहीं किए थे। समझ में रहे ना, लेकिन गिल्लो इन सभी प्राणियों के अपवाद था, तो विलोम था, ठीक है, क्यों ऐसा कहती है, वो क्या करता था, देखो, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, जब लेखिका खाने के लिए रसोई में, रसोई घर में जाती है खाने के कमरे में,
किचन में पहुंचते वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। लेखिका जब खाने की कमरे में पहुंचती है, लेखिका से भी पहले वो क्या करता था, आंगन की दीवार खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके, बरामदा मतलब घर के सामने होता है आंगन बोलते हैं ना, अंगल अंतरित बरामदा, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। लेखिका से भी पहले वो जाकर कहाँ बैठता था, टेबल पर, मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। देखो उसे वह लेखिका के पास नहीं थाली में बैठना चाहता था, समझ में आ रहा है ना। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरे थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। देख तो लेखिका उसे बहुत अच्छी तरह से सीख दी थी, ठीक है। वह पहला पहला क्या करता था, लेखिका जब खाने के लिए बैठती है, यह जाकर थाली में बैठना चाहता था। लेखिका बड़ी कठिनाई से क्या किया, उसे थाली के पास बैठकर खाने का सिखा। ये तो प्राणी है, ठीक है, बच्चे को एक बार, एक या दो बार हम बोल दें तो ये सीख लेते हैं, लेकिन इनको सिखाना, सीखते हैं लेकिन वो समय ज्यादा लगता है। तो उसी तरह लेखिका बहुत कठिनाई से, ठीक है, उसे थाली के पास बैठकर खाने का सिखाए। वो कैसा खाने, देखो बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठा, ठीक है, थाली के पास, थाली मतलब प्लेट, थाली के पास बैठकर वह क्या किया, थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। सफाई से मतलब नीचे न गिरने से, ठीक है, अच्छी तरह से एक एक चावल लेकर वह क्या करता था, लेखिका के थाली के पास बैठकर लेखिका के साथ खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था, खाद्य मतलब खाना, ठीक है, भोजन, समझ में आ रहा है। तो भोजन में ज्यादा से ज्यादा वह कौन सा खाना बहुत प्यार से खाता था, काजू। काजू मतलब जानते हो, काजू गुड़म भी मनु का बोलते रहते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, हाँ, उसका प्रिय खाद्य था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना पसंद या लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। देखो काजू उसका बहुत प्रिय खाद्य था, तो प्रिय भोजन था, बहुत दिन से उसे काजू खाने के लिए नहीं दिए, तो उसके अलावा कौन सा भी दूसरा खाना या खाने का चीज वह नहीं लेता था, फिर भी हम झूले में रख देते तो वो क्या करता था, उसे बाहर फेंक देता। ये काजू अदर बहुत इष्टवागिरतकंत आहार वगैरह, ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಿನ್ನುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತದೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇತನ ಕಾಜುಗೂ ಇತನ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಹುತ ಪ್ಯಾರ್ ಸೇವ ಖಾತಾ ದೇಖಲೋ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ವಹ ಖಾದ್ಯ ಥಾ ಔರ್ ಕೈ ದಿನ ಕಾಜು ನ ಮಿಲ್ನೆ ಪರ್ ವಹ अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था। खाजू के अलावा हम कोई दूसरा चीज खाने के लिए दिए तो वह क्या करता था, लेना भी बंद कर देता था, फिर झूले से नीचे फेंक देता, ठीक है। तो इस तरह हम गिल्लू लेखिका के साथ मतलब महादेवी वर्मा जी के साथ जिस तरह अपना जीवन बिताया और लेखिका उसे क्या क्या सिखाया, यह सब विषय हम आज चर्चा किए हैं बच्चों। आगे अभी लेखिका के साथ गिल्लू बहुत समय तक अपना जीवन बिताया है, लेखिका उसे और क्या क्या सिखाया है, यह सब हम आगे का विषय अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।